हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले ज्ञान गुरु चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं हमारा एक भाई का कमेंट का ऊपर मैं वीडियो बनाने आया हूँ। तो जो कमेंट है उसमें भाई ने लिखा था, आपका मशीन का बूमर का लेफ्ट साइड का बूम स्लो डाउन हो रहा है, अप हो रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको दोनों बूम स्लो डाउन अप डाउन हो रहा है तो आप लोग को पीटीओ पंप का प्रेशर चेक करना है। और पीटीओ पंप का प्रेशर बराबर है, अगर एक साइड का बूम आपका बराबर चल रहा है, दूसरा साइड का नहीं चल रहा है, तो उसमें आपका पीटीओ पंप का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पीटीओ पंप का तब चेक करेंगे जब अगर आपका इलेक्ट्रिकल से फास्ट हो रहा है और इंजन से स्लो हो रहा है, तब जाके पीटीओ पंप का चेक करेंगे। और अगर ऐसा एक ही बूम चल रहा है, एक ही बूम स्लो चल रहा है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ डबल चपकल देखना है। जब डबल चपकल को किस तरह चेक करना है वो नेक्स्ट पहले एक वीडियो में बताया था, इससे पहले भी और एक वीडियो में मैंने डबल चपकल के बारे में, उसको रिपेयरिंग के बारे में भी बताया हो। और फिर भी अगर वो वीडियो आप देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो मैं ये वीडियो में बता देता हूँ कि आपका डबल चपकल कहाँ है। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया डबल चेक वाल्व, तो डबल चेक वाल्व जो है, देखिए इसमें हम लोग का तीन है डबल चेक वाल्व, एक ये है और दो इधर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें दो साइड का, दो सिलेंडर का दो है। तो आपका बूम अगर स्लो अप डाउन हो रहा है तो आपका ये जो सिलेंडर है इसी का ही काम है, यही स्लो अप डाउन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो चेक वाल्व का अंदर में जो स्पूल आता है वो स्पूल कहीं फंस रहा है, या तो बराबर हाइड्रोलिक प्रेशर देने से स्पूल जितना स्पीड में जाना चाहिए उतना स्पीड में नहीं जा रहा है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग ये दोनों को चेक कर ले। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये जो चेक वाल्व है उसको अच्छा से आप चेक कर लो, तो मेरा 100% गारंटी है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट करने के बाद अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैं दूसरा उपाय बताएंगे। और फ्रेंड्स, मेरा 100% भरोसा है कि आप इसको अगर चेक करेंगे चेक वाल्व को, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं, आज का वीडियो बस उतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रोग्राम लेके आएंगे मैं और आप लोग को बताएँगे।